हेलो एंड वेलकम टू जस्ट कुक विद मी। आज मैं ककोड़े की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। ककोड़े को हमारे उत्तराखंड में कुछ लोग मीठा करेला, कुछ लोग परमला, कुछ लोग परमल, कुछ लोग राम करेला, कुछ लोग ककोड़े बोलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कीजिए जस्ट कुक विद मी को और दबाइए बेल आइकन को। इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो इस प्रकार से है। धनिया एक छोटी चम्मच, हल्दी आधी छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर एक छोटी चम्मच, सरसों का तेल दो बड़े चम्मच, जख्या आधी छोटी चम्मच, लाल मिर्च चार, नमक स्वाद के अनुसार, लहसुन 10 से 12, टमाटर एक कटा हुआ, प्याज एक कटा हुआ, अदरक 1 इंच का टुकड़ा। ये ककोड़ों में कांटे होते हैं तो हमें इनको साफ करना है। इस तरीके से चाकू से हम इनको अच्छे से साफ कर लेंगे। इनके अंदर जो काले बीज होते हैं, जो पके हुए होते हैं उनके अंदर काले बीज होते हैं, तो उन्हें भी हम अच्छे से निकाल देंगे। करेले हमने साफ करके काट लिए हैं। अब हम एक कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें जख्या डालेंगे, लाल मिर्च भी डालेंगे, सूखी लाल मिर्च, कटे हुए प्याज डालेंगे, प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए और मुझे टमाटर काटे हुए टमाटर डालेंगे। स्वाद अनुसार डालेंगे। एक छोटा चम्मच आधी छोटी चम्मच हल्दी डालेंगे। और मसालों को भूनेंगे। अब हम इसमें कटे हुए करेले डाल देंगे। और इसको ढक्कन लगाकर 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम अदरक और लहसुन को कूटेंगे। सब्जी हमारी लगभग पक गई है। हम इसमें जो हमने अदरक और लहसुन कूटा हुआ था उसको मिक्स कर लेंगे। और ढक्कन लगाकर 2-3 मिनट और पकाएंगे।
पकौड़ी की सब्जी हमारी बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, बहुत ज़्यादा इसको गलाना नहीं है, तभी ये ज़्यादा अच्छी लगती है और बहुत टेस्टी लगती है। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइए ककोड़े की सब्ज़ी, अगर आपको ककोड़ा कहीं मिलता है तो।